सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एज यू ऑल नो, अगले पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरे घर में पूजा चल रही थी, तो आज उसी दिन की रात है और आज गजब भी हो रहा है सीन। मतलब वहाँ भजन हो रहे हैं और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। और सोनदी और मैं अभी साइकिल राइड करने गए थे, दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। सो गाइस अभी हो रही है तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या हुआ हमारे साथ, कितना गजब सीन हुआ। मतलब कुत्ते पड़ गए, डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। कुत्तों से तो भाई सभी डरते हैं, वो भी रोड के वो पूरी गैंग आ गई थी और सब भौंकने लग गए थे साथ में। तो यही चल रहा है आज का दिन। तो मतलब पूरा दिन बिजी था और सुबह आपने देखा होगा कि वॉक करने गए थे, तो कल देखते हैं क्या होता है। तो अब चलते हैं पूजा में। ढोल की बजा रही है डोली मोटी और मम्मी गा रही है, डफली पापा जा रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और मौसा जी बैठे हैं, ताई लोग बैठे हैं। तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। अब बज चुके हैं रात के 11 और मौसा जी यहाँ सोए हैं। अच्छा 11:30 बज चुके हैं, ऐसा मेरे को पता चला है अभी सूत्रों द्वारा। पीछे पापा सोए हैं और डॉली भी यहीं सो रही है। आज चार लोग साथ सोने वाले, देखते हैं कितनी गर्मी होती है। और मेरे नाक पे मच्छर ने काट दिया और मेरी नाक ऐसी मोटी सी हो गई है। तो मिलते हैं कल। तो गाइस हो गई है सुबह और रोज़ की तरह आज हम आए मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने हनुमानगढ़ी तक का। और अभी मेरी नींद अच्छे से निकली और नाक में कल रात मच्छर ने काट दिया था, तभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। तो मिलते हैं सीधे आगे। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर है हनुमानगढ़ी और मेरा रोज़ की तरह शांति नहीं है। सोनी दी यही उठा के लगी है मेरे को और मेरे नाक का जो पिंपल है बहुत बड़ा हो गया। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस अब हम मॉर्निंग वॉक करते करते आ गए हैं हनुमानगढ़ी और अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, चूँकि मंदिर अभी हमें सुबह सुबह जाना नहीं है, नहा के भी नहीं आए हैं। तो हम जाएंगे सीधे नीचे को और देखेंगे क्या होता है। मेरे को तो फिर नींद आने लग गई। तो हम मिलते हैं आगे। गाइस 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 हमें चलते हो गया है, चलते चलते हो गया है पूरा का पूरा 1 घंटा और अभी 3 किलोमीटर हम नीचे आ चुके हैं। तो देखते हैं अब हम कौन सी नई जगह जाने वाले हैं। तो मैं वीडियो बना देता हूँ, देखते हैं कहाँ पहुँचा रही है सोनी जी। यहाँ चल रही है माउंटेन क्लाइंबिंग। मम्मी सुनती तो चढ़ गई, मैं चढ़ रहा हूँ इस माउंटेन पे। नीचे क्या व्यू है सुंदर, तो बड़ी बढ़िया जगह ले आई हमें। वाओ हम किस में बैठे हुए थे? पत्थर में, पहाड़ में बैठे हुए हैं। इधर से खाई, इधर से तो खाई है और उधर से हम उस वाले पार्क में जाने वाले थे, वहीं के रास्ते में आए हैं। ये कहाँ नीचे तो अच्छा ही है, नीचे हल्द्वानी रोड है। कहाँ आ गए यार हम, अपने घर से इतनी दूर आए हुए हैं। वाओ। तो अब हम थोड़ा 1 किलोमीटर और नीचे आ गए हैं, वहाँ जहाँ हम अभी पहाड़ पे चढ़े थे वो उधर पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ मतलब लास्ट में जो टॉप है वहाँ पे था। और अब हम दूसरी पहाड़ी पे आ गए हैं, ये भी अच्छी है, मतलब अच्छी ही है और मस्त। आगे तो और अच्छा व्यू है, दिखाते हैं आपको। सो व्यू इस टाइप से है, पूरा दूर तक का व्यू है, मस्त तो है। यहाँ बैठे हैं बॉस और उधर से निकलता है सूरज। वाह।
तो हम उस पहाड़ी पे गए थे, हम पैदल चल रहे हैं और अब हम फिर से उस पार्क में आ गए जहाँ हम पहले थे। तो अब हम जा रहे हैं सीधे घर को और देखते हैं रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो चलते हैं हम सीधे घर को। बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं घर को, घर की तरफ जा रहे हैं और क्या व्यू हो रहा है अभी, मतलब सूरज अब चढ़ चुका है थोड़ा सा ऊपर। और अभी हम चल रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी कोई फ़ायदा नहीं, वैसे 7:30 हो गया शायद, 7:30 हो गया है, अभी हमें आधा घंटा लगेगा वहाँ ऊपर तक पहुँचने में। तो अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। तो अब हम फिर से आ गए हैं ऊपर और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, नीचे की तरफ भी धूप आ रही थी, आज ऊपर भी धूप है, मतलब आज पूरा दिन मौसम अच्छा रहेगा। और बहुत शोरगुल्ला हो रहा है आज, तो आज लॉकडाउन नहीं है क्योंकि आज मतलब 5 बजे तक मार्केट खुली हुई है और आगे सोंधी चल रही है। तो अब मिलते हैं सीधे घर पे। तो अब हम आ चुके हैं घर, बहुत गर्मी हो रही है, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा कहीं कुछ करने का, काम करने का मन नहीं हो रहा है। मैं उतने दूर से चल के आए और फिर अब मस्त करके सो गए हैं, मन ही नहीं हो रहा यार कुछ करने का, क्या किया जाए। यहाँ पे डॉली सोई हुई है भूचे सी। और वो किट्टू आ चुकी है हमारे स्टूडियो में जहाँ हम अभी सोए हुए हैं। क्या कर रही है तो कर रही है फुल पागलबंदी। अरे 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 तो बंदर कुटती है पागल नहीं। अरे फोन मत खींच। अरे तो जैसा आपको दिख रहा होगा किट्टू मेरे साथ बैठी हुई है, अब तो सो गई है क्योंकि एक कार्टून है एक नंबर की एक्टिंग बाज, फिर बाहर आ गई। मैं जा रहे हैं चाय पीने के लिए, डॉली भी यहाँ पे है, पापा भी आ गए हैं, जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए, चाय बन गई है। हेलो 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 नानी बेटिया, हेलो 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 गुड मॉर्निंग। यहाँ चाय पी रहे हैं सबके सब, पापा भी आ गए हैं, नानी भी तैयार हो गई है, सब चाय पी रहे हैं अभी। यहाँ चल रही है पढ़ाई, जनवरी चल रही है, फरवरी चल रही है, लेकिन अभी जून चल रहा है। तो अब हम आ चुके हैं मार्केट में और यहाँ बहुत भीड़ हो रही है क्योंकि आज लॉकडाउन 5 बजे तक का है, मतलब 5 बजे तक का दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद लॉकडाउन होगा। और कुत्ते मजे से सोए हुए हैं और मौसा जी भी बात कर रहे हैं मेरे से। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। तो आज मौसा जी अपने घर को जा रहे हैं और अभी बज रहे हैं 2 दिन के और मौसा जी जा रहे हैं घर को। मौसा जी बाय बोल दो। बाय बाय। अब मैं मौसा जी को छोड़ने जा रहा हूँ। तो अब मैं मौसा जी को छोड़ के आ चुका हूँ घर में और मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, तो मिलते हैं आगे। तो अब मेरी पढ़ाई हो चुकी है ख़त्म, बच चुके हैं 5:00 और वीडियो अब एडिट करने का टाइम हो चुका है। गाइज आज के ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो अब मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।